नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं द पब्लिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रीट परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। सांसद किरोड़ी मीणा ने कहा कि वायरल हो रही हैं प्रश्न पत्रों की कॉपियां और रीट परीक्षा में गड़बड़ी की जा रही है। इस बार फिर रीट परीक्षा विवादों में गिर चुकी है। वहीं पर देश भर से बड़ी और खबर आप देख सकते हैं, चाइना की डेमोक्रेसी खतरे में है, 4 बैंक बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सावन के दूसरे सोमवार पर शिवरात्रि को लेकर जो है चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मोक्षधाम मंदिर में सावन शनिवार में चिंता भस्म से हो रहा है भगवान का श्रृंगार, भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण और लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, बहुत ही जल्द शपथ ग्रहण हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम। आपके शहर में कीमतों की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपये, डीजल 89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये है। जी हाँ, देश के सबसे बंदरगाह पर रूसी हमलों के बावजूद अनाज निर्यात करेगा यूक्रेन, तुर्की ने कही है बात। जी हाँ, आपको बता दें कि हेत प्रवासियों को ले जा रहा नाव समुद्र में डूबी, 17 की मौत, सुरक्षा बलों ने 25 को बचाया। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि कोरियर कंपनी से 40 लाख की डकैती में शामिल था होमगार्ड का बेटा, तलाश में जुटी पुलिस। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, काफ़ी तीव्रता देखी जा सकती है। पार्थ चटर्जी को लेने अस्पताल पहुँची ईडी की टीम, आज भुवनेश्वर एम्स में किया जाएगा शिफ्ट। पार्थ चटर्जी को लेने अस्पताल में पहुंची ईडी की टीम। ये थी आज की विशेष बड़ी खबरें। आपको कैसे लगी आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे लखनऊ में पिटबुल डॉग को गोद लेने आधी दर्जन से संस्थाएं आगे आ चुकी है। जी हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस में बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर पार्थ चटर्जी को इलाज के लिए भुवनेश्वर AIIMS ले जा रही है ईडी। प्रधानमंत्री आज हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद चलाएगी घर वापसी अभियान। काली फिल्म की डायरेक्टर बोली, मेरी फिल्म शत्रु विरोधी और निरकुश लोगों के लिए आक्रामक। जापान के अंदर सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा, खतरे को देखते हुए अलर्ट लेवल बढ़ाकर 5 किया गया। आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी। हैदराबाद के अंदर राम स्वामीगंज में जुलूस के दौरान पोथुराजू पर हमला, इलाके में तनाव। मध्य प्रदेश के अंदर आज से 5 दिन के लिए शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे सर्वज्ञ हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में धार को वोटर कार्ड से जोड़ने के मामले में सुनवाई आज। इलाज के लिए आज सुबह एम्स भुवनेश्वर ले जाएंगे पार्थ चटर्जी। यह थी आज की विशेष देशभर की बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। देशभर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द पब्लिक के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।